अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्रद्धा के विभाग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग इन नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार ही पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, तमोगुणी हैं या रजोगुणी हैं? भगवान ने कहा, देहधारी जीव के द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा भी 3 प्रकार हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। हे भारत पुत्र, विविध गुण में रहने वाले मनुष्य विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने गुणों के कारण जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सतोगुणी व्यक्ति देवता या ईश्वर को पूजते हैं, रजोगुणी व्यक्ति राक्षसों को पूजते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग दंभ और अहंकार से प्रेरित होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं, जो काम और आसक्ति से आती है, वे मूर्ख है और शरीर के भौतिक तत्व और शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को आसुरिक कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का भोजन का पसंद अलग होता है और भोजन भी ऐसे 3 प्रकार के होते हैं और यज्ञ, दान, तपस्या भी 3 प्रकार के ही होते हैं। अब तुम उनके भेद के बारे में सुनो। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों का प्रिय होता है, वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला और बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति को प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस से पूर्ण, स्निग्ध, स्वास्थ्य बढ़ाने वाला और हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टा, नमकीन, गर्म, चटपटा, सूक्ष्म तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों का प्रिय होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ, स्वादहीन, वियोजित एवं अस्पृश्य वस्तुओं से बना भोजन तामसिक लोगों का प्रिय होता है। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा की जाए जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। पर हे भारत, जो यज्ञ फल की इच्छा से किया जा रहा हो, उसे राजसिक यज्ञ जानो। और जिस यज्ञ में शास्त्र का कोई भी नियम का पालन ना किया जा रहा हो, जहाँ प्रसाद का वितरण ना किया गया हो, वैदिक मंत्रों का पाठ ना हुआ हो, पुरोहितों को दक्षिणा ना दी गई हो और श्रद्धा के बिना यज्ञ संपन्न हुआ हो, ऐसे यज्ञ को तामसिक यज्ञ जानो। परमेश्वर, ब्रह्मांड, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना और पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करने को शारीरिक तपस्या कहा जाता है। सच्चे मन को भाने वाला हितकारी शब्द बोलना और वैदिक साहित्य का पाठ करना, इसी को वाणी तपस्या कहते हैं। चित्त की प्रसन्नता, सरलता, मौन, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, इन सभी को मन की तपस्या कहते हैं। भौतिक लाभ के फल की आशा ना करके श्रद्धा पूर्ण भाव से किया गया 3 प्रकार के इन तपस्याओं को सात्विक तपस्या कहते हैं। जो तपस्या श्रद्धा, सम्मान और पूजा करवाने के लिए किया जा रहा हो, ऐसे तपस्या को राजसिक या रजोगुणी कहा जाता है। ये अनित्य और अस्थाई होते हैं। जो तपस्या मूर्खतावश खुद को कष्ट देकर या किसी अन्य को कष्ट देने के लिए किया जाता है, ऐसी तपस्या को तामसिक तपस्या कहा जाता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना प्रतिफल की आशा के उचित काल में और स्थान में यज्ञ व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ऐसे दान को सात्विक दान कहा जाता है। किंतु जो दान प्रतिफल की आशा से अनिच्छा पूर्वक किया जा रहा है, ऐसे दान को राजसिक दान कहते हैं। और अंततः जो दान अपवित्र स्थान में, अनुचित स्थान में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना आधार के दिया जाता है, ऐसे दान को तामसिक दान कहा जाता है। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है। ये 3 सांकेतिक अभिव्यक्तियाँ ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण के समय और ब्रह्म की संतुष्टि के लिए यज्ञ के समय उच्चारण किया जाता रहा है। इसीलिए योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रिक विधि से यज्ञ, दान, तप की समस्त क्रियाओं का आरंभ सदैव ओमकार से करते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले कर्म फल की इच्छा न करके यज्ञ, तप, दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्ति होता है। भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य परम सत्य होते हैं, इसीलिए उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पार्थ, ऐसे यज्ञ संपन्न करने के बाद संपन्नकर्ता को भी सत कहा जाता है। यज्ञ, तप, दान के सारे कर्म जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए होता है, उसे भी सत कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के
रूप में जो भी किया जाता है वह असत या विनाशी होता है। वो श्रद्धा विहीन यज्ञ, तप, दान कोई भी इस लोक या परलोक में फलदायी नहीं होते, दोनों में ही व्यर्थ होते हैं। इस प्रकार से भगवद गीता के 17वां अध्याय समाप्त होता है।